तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं गूगल पे और बुक करते हैं आज का टिकट। और यहाँ पे जो है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सर्च किया था, ठीक है। सॉरी, ये नहीं है, इसका ऊपर वाला जो ऑप्शन है, इसे मैंने सर्च किया था। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड पे शो करेगा। यहाँ ऊपर में सबसे पहले जो लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन नेशनल पार्क, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है, ये सारा कुछ डालने के बाद लॉगिन विद ओटीपी, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सारा कुछ आपको डालना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ, ये हो गया। ईमेल मेरा ले लिया, मेल एज 23 प्लस है, वही डालता हूँ। कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी आ गया 209357 209357 209357। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ डेट आज देख सकते हैं, 7/7/2022, ठीक है। और ये आपको टाइमिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा टाइम पे जाना चाहते हैं। एक 8:30 से 12:30 के बीच है, एक 12:30 से 4:30 के बीच है। तो हमारा आप टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, 3:10 हो रहा है, यानी कि ऑब्वियसली मुझे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो 12:30 से 4:30 के बीच का मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस वगैरह सारा कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पे सारा कुछ प्राइजेस वगैरह सारा कुछ शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। हमें 2 टिकट चाहिए, 80 रुपीज़ पर पीस पड़ेगा, 160 रुपये टोटल, ठीक है। एडल्ट और चिल्ड्रेन वगैरह, सीनियर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये सब कुछ भी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसे डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू पे फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। और नीचे में आप देख सकते हैं, अगर आप इसे चेंजिंग कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो मैक पेमेंट पे क्लिक करेगा पेमेंट करने। मैक पेमेंट पे क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ ऑप्शन आ गया। 160 रुपये कूपन कोड, अगर है आपके पास किसी भी तरीके का कूपन कोड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। 160 रुपये मुझे पे करने हैं, वैसे आप डेबिट कार्ड के ज़रिए से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, देख सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दे रहा है। इसे मैं एडिट करके इसे मैं कर देता हूँ डेबिट कार्ड्स, ठीक है। डेबिट कार्ड का ऑप्शन कर दिया मैं। यहाँ पे कार्ड नंबर, मंथ वगैरह सारा कुछ आपको फुलफिल करना है, मैं अपना कर लेता हूँ। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद मैक पेमेंट का जो ऑप्शन है नीचे, यहाँ से आपको क्लिक करके इसे मैक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देता हूँ और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ आ गया। यहाँ पर इंटर ओटीपी, एक ओटीपी आएगा जिसे डालना है, 16/94/68, ठीक है। मैंने डाल दिया, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये प्रोसेसिंग हो रहा है और ये टिकट हमारा ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे क्यूआर कोड वगैरह आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एसएमएस भी आ चुका है, ठीक है, जहाँ से मैं टिकट को डाउनलोड कर सकता हूँ। इसे क्लिक किया मैं और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आई थिंक कहीं पे होना तो चाहिए। वैसे चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे यहाँ से हम स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इससे हम ले लेते हैं यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा टिकट का बुकिंग कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं आगे की ओर और आप वीडियो को पूरा वॉच करते रहें।